मेरे प्यारे देशवासियों, नवरात्रि का पर्व चल रहा है, माँ दुर्गा की पूजा का अवसर है। पूरा माहौल पावन पवित्र सुगंध से व्याप्त है। चारों तरफ एक आध्यात्मिकता का वातावरण, उत्सव का वातावरण, भक्ति का वातावरण, और ये सब कुछ शक्ति की साधना का पर्व माना जाता है। ये शारदीय नवरात्रि के रूप में जाना जाता है और यहीं से शरद ऋतु का आरंभ होता है। नवरात्रि के इस पावन पर्व पर मैं देशवासियों को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और माँ शक्ति से प्रार्थना करता हूं कि देश के सामान्य मानवी के जीवन की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए हमारा देश नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे, हर चुनौतियों का सामना करने का सामर्थ्य देश को आए, देश तेज गति से आगे बढ़े। और 2022 भारत की आज़ादी के 75 साल, आज़ादी के दीवानों के सपनों को पूरा करने का प्रयास, 125 करोड़ देशवासियों का संकल्प, अथाग मेहनत, अथाग पुरुषार्थ और संकल्प को साकार करने के लिए 5 साल का रोड मैप बनाकर के हम चल पड़े और माँ शक्ति हमें आशीर्वाद दे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उत्सव भी मनाएं, उत्साह भी बढ़ाएं। बहुत